गाइज वेलकम ऑन माई स्टडी दोष यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज, हमने पिछले वीडियो में सल्तनत काल देखा था, अब हम बात करेंगे मुगल काल के बारे में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। सो गाइज, पहले के सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, उनका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया है। जीके जीएस और एयरफोर्स नेवी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो जीके जीएस के नाम से पीडीएफ बना दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी में मैं वो लिंक डाल दूंगा, साथ में आप चैनल पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो मुगल काल से अगर आप कई क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसने किया था तोपों का इस्तेमाल, तो वो थे बाबर। ठीक है, तो 1526 से जो है मुगल काल स्टार्ट हुआ था, तो 1526 के बाद में मुगल काल में जो सबसे पहले युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था वो था बाबर। उसके बाद में देखिए मनसबदारी की जो प्रथा शुरू की थी वो थी अकबर। ठीक है ना, तो अकबर ने शुरू की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कि ताजमहल को संगमरमर के स्वप्न, ए ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। ठीक है, तो वो है पंचमहल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे ताजमहल को क्या कहा जाता है, ए ड्रीम इन मार्बल, उसी प्रकार जो है किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है, वो है पंचमहल। तो नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो वो था बाबर, ये भी आपको पता है। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी किस वर्ष लड़ी गई थी, तो पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, दूसरी 1556 में। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो यहीं से जो है आपका सल्तनत काल समाप्त होता है और मुगल काल स्टार्ट होता है पानीपत की प्रथम लड़ाई से, क्योंकि यहाँ पे लोदी वंश का अंत हो गया था 1526 में, इब्राहिम लोदी हार गया था बाबर से। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट देखिए कि दिल्ली में जो है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई में परिणाम स्वरूप पड़ी थी, तो मुगल साम्राज्य मैं आपको अभी बता चुका हूँ, पानीपत की जो पहले लड़ाई थी इसके बाद में जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है वो है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जो पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, राणा सांगा था। ठीक है, तो बाबर ने जो था दूसरा युद्ध लड़ा था वो था खानवा का युद्ध, जो कि किसके साथ में लड़ा गया था, राणा सांगा के साथ में। तो इसमें भी राणा सांगा हार गया था और बाबर जीत गया था। तो ये लड़ा गया था आपका 1527 में, और 1526 में लड़ा गया था कौन सा युद्ध, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध 1527 में ये लड़ा गया था। उसके बाद में देखिए बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना, आगरा में हुई थी। नेक्स्ट है 1540 में किस युद्ध के पश्चात जो है हिमायू को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, तो ये है कन्नौज, इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ इसके बाद में जो है इसको हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था, फिर ये 1555 में वापस लौटा था। नेक्स्ट आपके पास में कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, तो ये आपको ध्यान रखना, हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मेघावी राजस्व अधिकार टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोडरमल शेरशाह, मेघावी राजस्व अधिकार टोडरमल अकबर की सेवा से पहले शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। ठीक है, तो बाद में तो उसने जो है अकबर की सेवा की थी, लेकिन उससे पहले वह जो शेरशाह के यहाँ पे अधीन नौकरी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो यह है बंदा यूनी ने। ठीक है, और ये इससे अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी, तो अबुल फजर ने लिखी थी, बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से ये एक है। आगे देखते हैं अकबरनामा किसने लिखी थी, ये भी अबुल फजल ने लिखी थी। तो दोनों किताबों के बारे में ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में हुई थी, तो अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हल्दी घाटी अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो ये हो जाएगा अकबर। ठीक है, अब फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आगरा में है, यह ध्यान रखिएगा, तो ये आगरा में है और ये आपको ध्यान रखना है, इसके किसने निर्माण करवाया था, अकबर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो ये आपको ध्यान रखना है, इबादत खाना, ठीक है, तो इबादत खाना उसे बोला जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास में कि अकबर के आरंभिक दिन में उसकी रिजेंस यानी कि संरक्षक कौन था? तो बैरम खा था, ठीक है ना, क्योंकि अकबर जो था लगभग 13 से 14 साल की उम्र में ही गद्दी पे बैठ गया था, और जब तक वह बालिक होता तब तक बैरम खा जो था उसका संरक्षक था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो ये भी याद रखना, अकबर ने ही जजिया कर समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर का प्रसिद्ध राजमंत्री कौन था? तो टोडरमल था, और अभी हमने टोडरमल की बात की थी कि टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के अंडर काम करता था। नेक्स्ट आपके पास में है कि दीन दलाही नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये भी अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो सारे क्वेश्चन देखिए आपको कॉपी में लिखने हैं कम से कम, क्योंकि रिविजन आप बार बार वीडियो से शायद नहीं कर पाएं, तो कॉपी में जरूर लिखना है इनको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो ये है आपके पास में अकबर, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के काल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। अगला जो सवाल है वो है, किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो वो बाबर और जहांगीर, तो याद रखिएगा इन्होंने किसी और से नहीं लिखवाई, खुद ही अपनी जीवनी लिखी थी, वो थे बाबर और जहांगीर। अकबर की तो जीवनी आपको पता ही है, अबुल फजल ने लिखी थी। अगला देखिए यहाँ पे, इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, जॉन हॉकिंस, ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लैंड के द्वारा जो है तत्कालिक राजा जेम्स के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था जॉन हॉकिंस को। आगे देखते हैं, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था? तो वो भी थे जहांगीर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी हो जाएगा शाहजहां आपके पास, ठीक है, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी शाहजहां ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊ 1739 में कौन ले गया था? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फारसी आक्रमक नादिर शाह, ठीक है ना, तो तख्त ताऊ याद रखिएगा, कौन ले गया था? नादिर शाह। उसके बाद देखिए, मुगल शासकों की दरबारी यानी कि अदालती भाषा कौन सी थी? तो वो थी फारसी, मुगल जो थे वो फारसी भाषा का यूज करते थे। भारत में जो है बीवी का मकबरा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बीवी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, सॉरी, अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच बाबर विजय हुआ था, 1526 में ये हुआ था। नेक्स्ट है, टोडरमल संबंधित है, टोडरमल किससे संबंधित है? तो वो है माल गुलजारी सुधारो से, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे देखिए, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। इसके अलावा दिल्ली का जो लाल किला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि किस मुगल शासक ने 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो वो था औरंगजेब, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगे बात करें, नेक्स्ट है आपके पास, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? ठीक ना, तो ये हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, और शासक का नाम याद रखना जरूर, औरंगजेब ने किया था इनको विजिट, वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ठीक है, तो जजिया का अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे पुनः वापस लगा दिया था, ठीक है, तो उसका आंसर हो गया औरंगजेब। कौन सा मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल कहलाता है, इनकी दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? तो ये याद रखिएगा, रबिया उद दौरानी का मकबरा, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, जहांगीर। और स्थापत्य कला किसके शासनकाल में? वो था आपके पास शाहजहां, तो ये भी याद रखिएगा, स्थापत्य कला और चित्रकला, चित्रकला जो है जहांगीर के काल में, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को क्या करता था कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करता था, और शाहजहां तो वो बिल्डिंग बनाने में ज़्यादा विश्वास रखता था। स्थापत्य कला शासनकाल जो था वो किसके साथ दौरान था? शाहजहां, और ये था जहांगीर। नेक्स्ट आपके पास में है, हुमायूं नामा किसकी रचना हो? नेक्स्ट आपके पास में है कि हुमायूं नामा किसकी रचना है और ये किसने लिखी थी? तो ये आपको ध्यान रख लेना है, गुलबदन बेगम, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो गाइज ये थे आपके लिए जो आपका मुगल काल था उससे इंपॉर्टेंट 40 से भी प्लस
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात कर लेते हैं मराठा राज्य से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं मराठा राज्य से जो कि स्टार्ट हैं यहाँ पे, मराठा राज्य और शिवाजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पास में। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसकी थी? तो मराठा प्रशासन के अंदर जो मंत्री परिषद थी उसको अष्टप्रधान बोला जाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान का वो सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमनत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए, शिवाजी के समय, गाइस थोड़ा सा कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो बार बार इस तरह से वाइट हो रहा है। तो शिवाजी के समय जो सरनोबत का पद जो है किससे संबंधित था, वो था सैन्य प्रशासन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये हो जाएगा ताराबाई। पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको, जो तीसरा युद्ध था और इस पर फिल्म भी बन रही है अभी पानीपत, आपने ट्रेलर देखा होगा उसका, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो वो थे अफगानों ने, ठीक है ना। अफगानों का जो अहमद शाह अब्दाली था उन्होंने हराया था, और इसके ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, मूवी भी बन रही है, वो आपने देखा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास में, नाना फडणवीस का जो मूल नाम था वो क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बालाजी जनार्दन भानु। नेक्स्ट है, शिवाजी का गुरु कौन था? तो रामदास। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसका देखिए, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था, तो वो था शिवाजी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो जयसिंह को भेजा था। नेक्स्ट, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब के द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो वो है शाइस्ता खां, याद रखिएगा इसका नाम भी शाइस्ता खां। आगे देखिए नेक्स्ट है, 1700 ईस्वी में जो है राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था, तो याद रखिएगा उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था ताराबाई। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके पास ताराबाई, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास में कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के राज्य की राजधानी वो थी रायगढ़। उसके अलावा नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था वो था बालाजी बाजीराव, ये भी ध्यान रखना। पेशवा का जो संस्थापक था वो था बालाजी विश्वनाथ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी प्रकार, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपको डेट भी मिल गई है, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा संपन्न हुआ था? तो सालबाई संधि के द्वारा हुआ था, और 1782 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय के काल में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो आज के इस वीडियो के टारगेट थे, और बाकी हम मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ था उसके बारे में आगे के टॉपिक से कल बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वीडियो मिलेगा उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या ऑलरेडी आप ज्वाइन कर रखे हैं तो वहाँ पर PDF फाइल्स भी मिलती हैं, डेली आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन और न्यूज़पेपर भी मिल जाते हैं, तो उनको भी जरूर देख लिया करो। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।